नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीनियर क्लासेस में। क्वेश्चन है अपना साइन ए प्लस बी इज इक्वल वन तथा कोस ए माइनस बी इज इक्वल रूट थ्री अपॉन में टू। यहाँ जीरो इज लेस देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल नाइन्टी लेस देन नाइन्टी एंड यहाँ जो आपकी वैल्यू है ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि ए बड़ा होना चाहिए और ए बी का मान बताओ क्या होगा। ये चीज़ नहीं जरूरी नहीं, आपको बस ये दो चीज देखनी है। क्या देखना है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल दे रखा है वन। आपको ध्यान रखना है कि साइन कितने डिग्री का मान होता है एक। तो अपन जानते हैं कि साइन यहां पर मैं एक बराबर लिख देता हूं साइन 90। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देते हैं। तो आपको 90 डिग्री नहीं लिखना है, आपको लिखना है साइन 90। क्यों? ताकि जब ये लिखोगे तभी आपका साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल होगा और आपके पास क्या आएगा ए प्लस बी बराबर 90। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कोस ए माइनस बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है कोस ए माइनस बी इज इक्वल रूट थ्री अपॉन में टू। अब देखिए रूट थ्री अपॉन में टू कोस वाली अगर लाइन में देखिए तो कोस कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है आपके कोस 30 डिग्री का। तो कोस ए कोस कैंसिल हो गया, बचा क्या ए माइनस बी इज इक्वल 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर टू। अपने को ए बाय बी का मान ज्ञात करना है जिसमें जो वैल्यू है ए प्लस बी दोनों की ए प्लस बी वो या तो 90 हो सकती है, जीरो से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि 90 हो सकती है और 90 और जीरो के बीच में तो भी चलेगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए बी के होना चाहिए छोटा, यानी कि बी की वैल्यू ज्यादा और बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अपने क्या करें, समीकरण एक और दो को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण वन प्लस समीकरण टू, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो अपने पता है कि जब समीकरण को जोड़ा जाता है तो सिंबल जो निशान है उसका चेंज नहीं होता, वही रहता है जो है आगे। इसका कितना हो जाएगा 30 ऐड करेंगे तो सॉरी ये तो क्या है दोनों प्लस के तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 120 अपॉन में यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ए की वैल्यू 60 है तो ए की वैल्यू आप चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें रख दो जो आपको ठीक लगे। तो अपने क्या करते हैं समीकरण दो से समीकरण दो में मैं वैल्यू रख देता हूँ ए की 60 माइनस बी बराबर 30 यानी इसकी जगह मैंने 60 लिख दिया। तो बी जब इधर आएगा तो ये माइनस का प्लस माइनस का इधर आया तो प्लस का और 30 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का। तो 60 माइनस 30 बराबर बी कितना बचेगा, बी की वैल्यू कितनी है 30। अपने से उसने बोला है कि ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बी से, ए की वैल्यू क्या है 60 यानी कि ज्यादा है बी से और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना है 90। तो ने बोला 90 होना चाहिए या 90 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस प्रकार के दो क्वेश्चन आपके चैप्टर में, एक मैंने करवा दिया है, दूसरा प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद करोगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 आसान सा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, आज अपने वही देखने वाले हैं। तो देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, अगर टेबल के अनुसार देंगे तो वैल्यू होता है इसका 1/√2। आपको कुछ नहीं करना, बस इसका पहले तो वैल्यू पुट करना है, जैसा अगर वैल्यू आपको याद हो सेट 30 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है और उसके बाद में कोसेक इसकी वैल्यू होता है 2, ठीक है ना।
इसको अगर अपने और सिंपल बनाना चाहे तो इसको 2/1 लिख देते हैं, क्योंकि अगर लघुत्तम लेंगे तो कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर इसके अकाउंट में, तो मैंने एक लगा दिया ताकि आसानी से अपने इसका एलसीएम ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है 1/√2, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा √3 आया, √3 का √3 में भाग दिया कितना 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है 1 का √3 से √3, √3 का 2 से क्या √3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, वैल्यू पुट किया, उन दोनों का एलसीएम लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या है 2√1/√2 ये वाला, इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा 2+√3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको आगे फिर लिखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया √3 और यहाँ पे रूट ये वाला, इन दोनों से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा √3। इसको मैं ऊपर लेके गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इतना बड़ा किया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपॉन में कभी भी रूट के अंदर बटा में वैल्यू नहीं रखनी होती है, रूट के अंदर बटा में वैल्यू नहीं रखनी होती है, उसको हटाना होता है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो देखिए डिवाइड रूट और एक 1/√3, क्योंकि कहना तो डाल नहीं सकते क्योंकि प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको पूरा कटाना पड़ेगा। तो अब देखिए अपने क्या लिखते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ √3 और मेरे पास इधर एक वैल्यू है √2, इसको मैंने क्या लिख दिया, ये आपके पास था 1+√3, इसको मैंने √3+1 लिख दिया। जोड़ होता है वो क्रम में नहीं होता, ये आप जानते हो, मोहतवार बताया हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि बाद में जब अपने आगे सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर 1+√3 हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, बोलो तो वैसे भी हो जाएगा। अब देखिए पहले अपने क्या करते हैं, √2 को हटा देते हैं, √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 का इसको बोलते हैं प्रमेयीकरण। तो मैंने √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो √3 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, रूट से रूट कटेगा नहीं, कब कटे ये कटता कब है, जब रूट के अंदर वाली संख्या समान हो, लेकिन यहाँ पे समान ही, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा √6, √2 का √2 से किया तो क्या है 2, रूट से रूट कैंसिल इंटू में 2 और फिर अपने ब्रैकेट में √3+1। अब अपना पहला काम तो हो गया, कौन सा कि √2 को हटा दिया है, क्लियर। अब देखिए √3+1 इसको सॉल्व करना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, इसके लिए अपने क्या करते हैं √3-1, √3-1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पहला काम था √2 का मल्टीप्लाई कर दिया हट गया। अब √3+1 तो जब इसको हटाना है तो उसके अपोजिट चलेंगे, यानी प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रमेयीकरण। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √6 का √3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा √18-√6 अपॉन में 2 का 2 से किया 4, ये a+b है, इसको यूं देखें तो a+b है और ये आपके पास a-b है, तो a+b और a-b बराबर में क्या होता है a² - b² ये सूत्र लग रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूँ a² यानी कि √3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3-b² यानी कि 1। अब ऊपर अपने पास क्या है, ऊपर है अपने पास √18-√6 और नीचे क्या है 4-3-1 यानी कि 2, इसको आगे हल करेंगे तो इसको इसको अपने यू भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने यू लिख सकते हैं 3 × 3 3 × 3 9 × 2 और −√6 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 और अपॉन में ये आपका 8 हो जाएगा। इसको अगर √18-6 अपॉन में 8 तो भी सही, अगर आगे वो हल करना है तो उसको हल कर दो, आप यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा √2
क्योंकि यहाँ से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या बचेगा रूट का, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे दो है, तो थोड़े में से आप एक बाहर निकाल सकते हो। अपॉन में क्या रूट एट, तो ये लीजिए आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 30, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, इसलिए ये क्वेश्चन भी अपने कर लेते हैं। तो देखिए पहले तब को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या रहेगी इसकी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 फॉर में 2, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस इसकी होती है 2 फॉर में रूट 3, और उसके बाद में अगर देखें तो sec की होती है 2 फॉर में रूट 3 प्लस cos 1 फॉर में 2 और प्लस इसकी होती है 1। तो पहले सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इन सबका लोथम ले लेते हैं, इसके ऊपर फॉर्म में 1 लगा लेते हैं ताकि लोथम करने में कोई दिक्कत ना हो। इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3, इसका इसमें भाग गया 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3, और प्लस इसका इसमें भाग गया तो 2√3 का मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ जाएगा, और फिर माइनस इसका इसमें भाग दिया तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 से क्या तो 4। इसी प्रकार नीचे भी अपने लोथम ले लेते हैं, क्या आएगा 2√3 का √3 से कैंसिल, बचा क्या 2 4 का मल्टीप्लाई 2 से 2 क्या कैंसिल 2 का √3 का इसे 1, और इसका इसमें भाग दिया 2√3 का 1 से क्या तो 2√3 आ जाएगा। अब देखिए इसको यूँ लिख देता हूँ, 1√3 ये 2√3 है, ये भी 1√3 ये 2√3 है, उसको आप हल करेंगे तो 1√3 और 2√3 कितने लगेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन में, इसको मैं लिख देता हूँ 2√3। ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 4 प्लस 3√3, और 1√3 हो जाएगा और प्लस 4, इससे ये कैसे बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा 3√3 माइनस 4, और नीचे मेरे पास क्या है 4 प्लस 3√3 है, तो उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3√3 प्लस 4, क्योंकि जोड़ होता है वो क्रम में नहीं होता है, एडिशन क्रम में नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव, तो उसके आगे भी चीज़। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस चीज़ को हटाना है पूरे को, जो प्लस में जुड़ा इसका मतलब इसको भी साथ में लेना पड़ेगा, अगर इसका अपोजिट सीन है यानी कि 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पे आपके पास देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी, ये भी आपका ए माइनस बी, यानी आपके पास बन रहा है ए माइनस बी की होल स्क्वायर, और ये बन रहा है आपके पास ए प्लस बी, और ये बन रहा है ए माइनस बी, इसका होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इसका होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। ए की स्क्वायर क्या रहेगी 3√3 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, ए की स्क्वायर 3√3 और बी की स्क्वायर क्या आएगा 4, नीचे ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर क्या 3√3, 3√3 की स्क्वायर माइनस बी यानी कि 4 की स्क्वायर। एक बार फिर से लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट किया उसके बाद में इसका एलसीएम लिया ऊपर और नीचे भी एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में इसका ऊपर लेके ऊपर लेके गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके पास ये 1√3 2√3 जोड़ा तो 3√3 माइनस 4, इसी प्रकार इनको जोड़ा तो ये लिख सकते हैं। फिर मैंने 3√3 माइनस इसको, ये आपका 4 प्लस 3√3 था, मैंने इसको 3√3 प्लस 4 ले दिया ठीक है ना, उसके बाद इसको हटाने के लिए मैंने इसका चिन्ह चेंज करके यानी प्लस था माइनस करके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका ए माइनस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब देखते हैं इसको आगे, तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3 की स्क्वायर तो जाएगी 9 इंटू रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 की 16 माइनस 2 इंटू 3 6 का 4 से किया तो 24√3, और नीचे करेंगे तो 3√3 की स्क्वायर 9 इंटू 3
इसका रूट कैंसिल हो जाएगा माइनस 16, इसको अलग करेंगे तो 27 प्लस 16 है माइनस 24 रूट 3, और इसको अलग करेंगे तो 27 माइनस इसको आगे अलग करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 13 और 43 माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो 1, आपका आंसर क्या आएगा 43 माइनस 24 रूट 3, 43 माइनस 24 रूट 3 और 11। आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हो कि सर हमारे को इन क्वेश्चन में दिक्कत रहती है, और बिल्कुल वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए क्लास में इकट्ठे करवा दिया करूँगा। रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, आपको x की वैल्यू लेना है 30 डिग्री, और आपको बताना है कि ये दोनों साइड बराबर है या नहीं है। पहले अपने लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में अपने पास क्या है साइन x, आपको x की वैल्यू क्या रखनी है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए साइन x की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2, तो एक वैल्यू अपने फाइंड कर ली। फिर अपने लेते हैं RHS, RHS में अपने पास क्या है 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स की वैल्यू में क्या रखता हूँ 30 अपॉन में 2। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 60, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 2, तो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में रूट 2, सॉरी 1 अपॉन में 2, और इसके अपॉन में भी क्या है इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2, तो 1 में से हाफ गया, 1 में से अगर हमने हाफ कम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यानी कि 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा अपॉन में क्या है 2, और ये जब 2 ऊपर जाएगा ये बार तो अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन में 2, और इस प्रकार से क्योंकि इसकी अपॉन में जो वैल्यू है वो तो चली जाएगी ऊपर और ये यहाँ पे नीचे रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और 1/4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो अपने पास RHS बराबर क्या आएगा RHS बराबर आएगा अपने पास 1/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने LHS और RHS क्या है LHS बराबर RHS उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को चिनिया क्लासेस को, अगर इस पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास एग्जाम तक मैं